हे बिरन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप ठीक होंगे। आज मैं सुबह सुबह जब सो के उठा तो हमारे फोन भाई मानस भाई साथ में कॉन्फ्रेंस कॉल किए, बोले चलो बाहर चलते हैं नाश्ता करने के लिए। हम तीनों भाई एक ही बाइक पे रेडी होकर निकल चुके घूमने के लिए। तो घूमते घूमते तो बहुत दूर नहीं गए, अपने ज्यादा आस पास ही रहे। आपको लोकेशन तो दिखाएंगे कहाँ पे आए हैं। ये भैया जी का कॉर्नर दिखा जहाँ पे मैंने देखा बहुत सारी भीड़ है, भीड़ इतनी भीड़ थी भाई साहब बता नहीं सकते। हम यहाँ पे भैया की कॉर्नर पे आए, खड़े थे कुछ देर, फिर हम तुमने देखा यहाँ पे किस तरह से क्या है। मैं यहाँ पे खुद अब चल रहा हूँ अपने लिए ऑर्डर देने, हम सब ट्राई क्या करने वाले। आइए आपको दिखाते हैं फिर यहाँ पे ट्राई क्या करते हैं सूर्य नाश्ते में, वो बताते हैं आपको लोकेशन लास्ट में शेयर करते हैं कहाँ पे होने वाली है। तो जैसा कि दोस्तों आप सब देख सकते हैं हम कहाँ पे आए हुए हैं। देखिए आप, भैया जी की हमारे स्टॉल है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बनाते हैं, मैंने सुना भी है। तो भैया जी से बात हुई थी, भैया जी के स्टॉल के पास आए हुए हैं। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं किस तरह से हमारे हिमांशु भाई, पवन भाई भी खड़े हुए हैं यहाँ पे, हम वीडियो शूट कर रहे थे। तो यहाँ पे आपको दिखाते हैं किस तरह से हम सब गर्मी से परेशान ही थे, गर्मी इतनी हो रही है, धूप भाई पूछो ही नहीं। हम तीनों भाई फिर भी निकल गए थे आप सबके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो आपको कहाँ आए थे आपको मैंने दिखा भी, यहाँ पे देखते हैं किस तरह से भैया का मेकिंग प्रोसेस, जो किस तरह से हम सबके लिए यहाँ पे सुबह का नाश्ता निकालते हैं। क्योंकि आप सबने तो नाश्ता कई प्रकार का दिखा होगा, यहाँ पे देखिए किस तरह से भैया सुबह का नाश्ता हम सबको कितने अच्छी तरीके से रेडी करके देते हैं ताकि खाने का मज़ा ही आ जाए। हम सबके लिए गर्म गर्म पूरी निकालते हैं ताकि खाते खाते मज़ा आ जाए। ऐसा नहीं है हम ही हमारे लिए निकालते हैं, जितने लोग आते हैं खाने के सभी के लिए निकाला जाता है। ये देखिए हम सबकी प्लेटें लग चुकी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रही हैं, खाने का जितना ज़ोरों से मन कर रहा। तो आइए इसको ट्राई करते हैं किस तरह से स्वाद होने वाला है, तो ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा। जिस तरह से प्लेटें हमने लगाई है, जिस तरह से हमारी प्लेटें लग चुकी हैं हमारी पवन भाई और हिमांशु भाई की, उस तरह से गरम गरम पूरी मिल रही थी भाई। छोला था और आलू, जो पहले गांव कचालू था, आलू दम उसकी सब्जी जब खचिया आपकी लग रही थी, मुझे तो मज़ा ही आ रहा था। इससे पहले गाँव में सब लोग कुछ काम करने के बाद या कुछ काम रहता गाँव में होने के बाद तो कचालू दम बनाया जाता था, उससे उस तरह से भाई एक सब्जी थी जिसका गजब का ही टेस्ट था भाई, जब मज़ा ही आ रहा था। तो गर्मी में गरम गरम खाने का अलग ही मज़ा है, सुबह का नाश्ता तो बेहतरीन लग रहा था। यहाँ पे मैंने 6-7 पूरी जैसे नाश्ते में ही खा ली क्योंकि इतना मन कर रहा था खाने का। भैया ने बोला और चाहिए, हमने बोला नहीं, लेकिन इतना मज़ा आ गया भाई जब यहाँ पे ट्राई करके, काफ़ी बेहतरीन बनाया ना भैया ने। अगर आपको सपोर्ट करना है तो भैया को कीजिए, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है भैया को, हम तो उसको दिखा रहे हैं। ये लोकेशन बताते हैं। जैसा कि दोस्तों आप भाई ने हिमांशु भाई और पवन भाई के साथ बढ़िया एकदम चटपटे पूरी छोला और कचालू ट्राई किया, बेहतरीन एकदम। एक ये हमारी हिमांशु भाई हैं, तो खाने में इतना बिजी थे, इनसे मैंने बोला ब्लॉग शूट कर लो मेरा, तीनों ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया एकदम से। खाने में कैसा था भाई? भाई काफी बढ़िया टेस्ट था, मजाक से रखिए। और हम लोग बहुत ही, जैसे हम लोग का ज्यादातर फास्ट फूड पे रहता है, लेकिन काफी टाइम बाद हम लोग जो है सुबह का नाश्ता आप लोग के लिए लाए हैं। आप लोग सुबह का नाश्ता सब लोग को बहुत पसंद होता है, जो भारतीय लोग हैं इंडियन सुबह के नाश्ते पे एकदम टूट पड़े रहते हैं, और जो छोला पूड़ी होता है भाई उनका सबसे ज्यादा फेवरेट होता है, और हम लोग ने वही ट्राई किया। आशु भाई को भी कैसा लगा आप लोग इनसे जानिए। भाई बेहतरीन, भैया ने जितने प्यार से हमको बना के खिलाया, भैया पूड़ी पूड़ी उन्होंने खाया, मजा आ गया। कौन भाई तुम्हारे आईफोन देखने में भेजी थे इसलिए उनको नहीं कह सकते को ज्यादा खाए होंगे, लेकिन हाँ वो भी खाए हैं, स्वाद एक नंबर था। आपको ट्राई करना, कहाँ पे आना लोकेशन हम आपको दिखाते हैं। नगर निगम के जस्ट सामने भैया जी का कॉर्नर है, सानेवत के जस्ट बगल में नगर निगम और सानेवत के जस्ट बगल में भैया जी अपना कॉर्नर लगाए हुए हैं। आइए भैया जी को अपना प्यार सपोर्ट दीजिए, इनके यहाँ ट्राई कीजिए, बताइए कैसा लगा। आपके लिए नए ब्लॉग हम लाते रहेंगे, बट भैया जी का जरूर प्यार सपोर्ट आप सब दिखाइए। मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।